लिजर्ड यानी छिपकली, कौन नहीं जानता इसके बारे में। सबने देखा है क्योंकि आम तौर पर हमारे घरों या आसपास के माहौल में बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वहीं अगर लिजर्ड मैन की बात करें तो इसे देखना तो दूर, सुना भी कम लोगों ने होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं लिजर्ड मैन की। मेरा नाम है अरिब रहन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर फैक्टनेस। मैं हूं आपका होस्ट, सबका दोस्त। 29 जून 1988 में अमेरिका के साउथ कैरोलिना की ली काउंटी के स्वैम्पलैंड क्षेत्र में लिजर्ड मैन जैसे अनोखे और अजीब से प्राणी को देखा गया था। लिजर्ड मैन को सबसे पहले क्रिस्टोफर डेविस नाम के व्यक्ति ने 29 जून 1988 में देखा था, जब वो रात के करीब 2 बजे अपने काम से वापस आ रहा था। तभी बीच में ही उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तब उसने अपनी गाड़ी का टायर बदलने के लिए अपनी गाड़ी साइड में लगाई, पर कुछ देर बाद उसको अपने पीछे से अपनी तरफ दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि खेतों में अजीब सी हलचल हो रही है और देखते ही देखते खेतों में से एक भयानक और विचित्र प्राणी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उस विचित्र प्राणी को देखकर डेविस घबरा गया और अपनी कार में छिपकर बैठ गया। डेविस ने बताया कि उस प्राणी के स्किन का कलर हरा था और वो काफी गुस्से में था और उसने कार पर काफी खरोचे भी मारी, कार का साइड मिरर भी तोड़ दिया और कार की छत पर चढ़कर गुस्से से घुर्राने लगा। इस घटना के रिपोर्ट के मुताबिक इस हरी त्वचा वाले विचित्र प्राणी की लंबाई लगभग 7 फीट थी, हाथ में 3 उंगलियां थी और पैर में 3 अंगूठे थे और वो दीवारों पर भी चढ़ जाता था। इसलिए उस अनोखे और छिपकली जैसे हाथ पैर दिखने वाले प्राणी का नाम लिजर्ड मैन रखा गया। फिर अगले कुछ दिनों तक लिजर्ड मैन को कई लोगों ने भी देखने का दावा किया और इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। यही नहीं बल्कि ये सभी घटनाएं उसी जगह स्केप और स्वयं के लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी वाले इलाके में हुई। जिन लोगों ने देखा उन सभी के कार पर खरोचने, तोड़फोड़ और काटने के निशान थे। इस घटना पर रिसर्च करने के लिए कुछ स्थानीय अधिकारी आए और उन्होंने प्लास्टर से लिजर्ड मैन के पंजे को बनाकर देखा। तब उन्होंने पाया कि ये पंजे लगभग 14 इंच के थे और ऐसे पंजे अब तक उनके फुटप्रिंट साइंस के रिकॉर्ड में नहीं थे। फिर अगले साल के आखिर तक लिजर्ड मैन को देखे जाने की शिकायतें और खबरें धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन इस विचित्र रहस्यमय प्राणी को अब भी कुछ लोग बीच बीच में देखे जाने का दावा करते हैं, लेकिन अब भी इस रहस्यमय प्राणी का रहस्य सुलझना बाकी है। गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आज की इस वीडियो का एम है 20 लाइक्स, तो गाइस प्लीज कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस मिलते हैं हम लोग अपनी अगली ऐसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।